हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लेटर टू एडिटर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं, उसका पूरा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार, और इस फॉर्मेट में हमने कुछ ऐसी लाइंस भी दी हैं फिक्स, जो आप कैसा भी टॉपिक हो आप वहाँ पर सेम लिख सकते हो हर टॉपिक में। और आपको मुश्किल से अपनी तरफ से 3 से 4 लाइंस ऐड करनी होगी एंड बस दैट सॉल्व। और 5 नंबर फिर आपके कैसे, देखो सबसे पहले सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में आपको उसका एड्रेस लिखना है जिस जो इस लेटर को भेज रहा है। फिर एक लाइन खाली छोड़ना है। फिर डेट, डेट में आपको डेट हमेशा इसी फॉर्मेट में डालनी है। सबसे पहले डेट, फिर फेब्रवरी मंथ पूरा लिखना है, कॉमा 2024। फिर एक लाइन छोड़ना है। फिर रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस मतलब उसका एड्रेस जो इस लेटर को आप जिसके पास भेज रहे हो। फिर एक लाइन छोड़ेंगे। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा ऑलरेडी, मतलब जो भी आपका टॉपिक है वो आपको यहाँ पर लिखना है। मुश्किल से 4 से 5 वर्ड में हो जाएगा ख़त्म। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। फिर उसके बाद सर यानी कि सैल्यूटेशन, आपको वहाँ सर लिखना है, इनफ। उसके बाद जो अब यहाँ पर लाइंस आ रही हैं, इन लाइंस को आप, मैं वैसे 3 पैराग्राफ बना दिया हूँ जिसमें से 2 पैराग्राफ आपको यही पेस्ट कर देने हैं। एक पैराग्राफ मुश्किल से 3 से 4 लाइंस का आपको बनाना पड़ेगा। क्या है जरा देखते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, आप यहाँ पर एस्टीम्ड या रेप्यूटेड दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ करना है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप रेप्यूटेड यूज़ करें। अक्सर बच्चे एस्टीम्ड यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ओल्ड हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा यूनिक करना रेप्यूटेड। देन आई वुड लव टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द इशू ऑफ, जो भी आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन में गिवन होगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। उस प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा और डिफाइन कर देना, दैट दिस प्रॉब्लम इज, मतलब थोड़ा सा होता है ना लाइक बड़ा चढ़ा के बोलना, तो आप वैसे ही उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा बढ़ा कर चढ़ा कर बता देना। एंड देन सिंपल उस प्रॉब्लम के से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी आपको यहाँ बता देना, 2 लाइन वो हो गया। एंड देन फिनिश आपका रोल। अब इस लाइन्स को आगे याद कर लो, क्या इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द वट एवर द प्रॉब्लम आपको वहाँ पर थी, सेम जो आपने यहाँ लिखी यहाँ पर आप उसे लिख सकते हो। फिर इसके बाद लास्ट करेंगे, आई होप यू विल टेक द अप्रिशिएट एक्शन टूवर्ड्स दिस, दैट्स इट। लास्ट में एक लाइन छोड़नी है, और थैंक यू योर्स फेथफुली XYZ, मतलब आपको नाम दिया होगा तो वो नाम यहाँ पर लिखना, नहीं दिया तो आपको XYZ ही लिखना है और कुछ नहीं। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को मैं अपने ही फॉर्मेट से आपको करके दिखाऊंगा। इवन मैंने आपके एग्ज़ाम वाली ही सीट ली है ताकि आपको जब अपना एग्ज़ाम करो तो पूरा का पूरा मतलब एक रिव्यू मिल जाए कि कितना सीट आपको ऑटोमेटिक इससे भर जाएगा, और इवन नंबर्स भी आपको फ्री में मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू आर अमित और अनीता, रेजिडेंट ऑफ करावल नगर दिल्ली। योर सोसाइटी इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ बैड रोड कंडीशन, सो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में ही आपको नाम दिया हुआ है और साथ में उसका रेजिडेंट मतलब जो एड्रेस भेज रहा है उसका एड्रेस दिया हुआ है जो लेटर भेज रहा है। एंड लास्ट में आपको एडिटर और उस न्यूज़पेपर का नाम एंड ऑल्सो उसका एड्रेस भी आपको बता दिया गया है। अब सिंपल हम देखते हैं कैसे उस लेटर को लिखेंगे। ये मैंने आपके एग्ज़ाम्स वाली ही सीट ली है, ये उतनी ही वाइडली है, तो हम इसमें अगर करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे वो एक लेटर लिखना होगा। देखो सबसे पहले तो आपको क्लियरली यहाँ पे साइड में लाइन खींचनी होगी ब्यूटीफुली। एंड देन उसके बाद आपको सेंडर एड्रेस मतलब अपना एड्रेस, तो वो दिया था वहाँ पर करावल नगर दिल्ली। देखो एड्रेस कभी भी लाइन में सीधा मत लिख देना, मतलब 2 वर्ड यहाँ पे, 1 वर्ड यहाँ पे, ऐसे ही प्रॉपरली तोड़ तोड़ के लिखना। उसके बाद एक लाइन छोड़ना था। फिर हमने डाली है डेट, देखो उसी फॉर्मेट में डाली है, 24th February पूरा लिखेंगे, कॉमा 2024। फिर एक लाइन छोड़ना है। फिर उसके बाद जो हमारा द एडिटर है वो हमेशा ऐसे कैपिटल में ही लिखना, द एडिटर, फिर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। देन सर
आगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वुड लव टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द इशू ऑफ बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। यहाँ पर हमने मतलब सेम लाइन्स लिखी और देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम वाले लाइन था कि ऑफ बैड कंडीशन ऑफ रोड हमने वो यहाँ लिख दिया। देन हमने खुद से अपनी तरफ से बनाई लाइन, जैसे द कंडीशन ऑफ रोड्स इन द सोसाइटी हैज़ बिकम वेरी पैथेटिक, मतलब उसकी सिचुएशन बहुत बेकार हो रही है हमारे यहाँ की रोड्स की। एंड देयर आर बिग पॉट होल्स इन द मिडल ऑफ रोड, और वहाँ पर सड़क के बीच बीच में काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे से बन गए हैं। और ऑलमोस्ट अ ईयर हैज़ पास्ड बट रोड्स आर येट टू बी रिपेयर्ड, और एक साल होने को आ गया है बट रोड अभी भी रिपेयर नहीं हुआ है। एंड द रोड यूजर्स, मतलब जो उस रोड को यूज़ कर रहे हैं, एंड स्पेशली द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टी, मतलब सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। तो हमने बस इतना बता दिया कि जो प्रॉब्लम थी वो डिफाइन कर दिया, अब उस प्रॉब्लम की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी हमने डिफाइन कर दिया दो लाइन में। एंड देन जो हमने याद किया था वही फिर से चेप देते हैं, देखो कैसे। इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम अब बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। यहाँ पर सेम हमें वो इश्यू लिखना था तो हमने अगेन उस प्रॉब्लम को जो वहाँ लिखा था वो यहाँ पर भी लिख दिया। एंड नाउ नेक्स्ट आपको लास्ट में सिंपल आई होप यू विल टेक अप्रिसिएट एक्शंस टूवर्ड्स दिस, इस लाइन को लिखेंगे और लेटर एंड कर देंगे एक लाइन छोड़ के, फिर लिखेंगे यहाँ पर थैंक यू योर्स फेथफुली अमित। आपको जो इसमें नाम था, अब अमित बॉय हो तो अमित, गर्ल हो तो अनीता लिख देना। That's it. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। बट उससे पहले मैं आपको आज के लिए एक वर्ड दूंगा जो कि हो सकता है आपको पोयम जो थी ना एक अमांडा नाम की उसमें आपको काम आएगा। देखो वो वर्ड है रेकलेस, RECLUSE। और ये मुझे आपको कमेंट में बताना है कि आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है, और अगर पता है तो उसका क्या है मीनिंग उसको बताना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका मीनिंग बताऊंगा और एक फिर से एक नया वर्ड लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।